हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल के लिए दो टॉपिक हैं जो कि इम्पोर्टेंट में हैं, ठीक है। उसमें नंबर एक टॉपिक है कि किसी नाभिक का कोणीय संवेग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, दूसरा है पेरिटी क्या है और पेरिटी कैसे निकालते हैं किसी न्यूक्लियस की, ठीक बात ना। तो नंबर फर्स्ट है, किसी नाभिक का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए अपन लोग एक मॉडल काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल या फिर नाभिकीय कोष मॉडल बोलते हैं। नाभिकीय कोष मॉडल क्या है क्या नहीं है ये आपके सिलेबस का नहीं है, आपका केवल इतना है कि आपके पास में कोई न्यूक्लियस हो तो उसका आप नाभिकीय कोणीय संवेग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो पहली लाइन आपने क्या याद की कि नाभिकीय कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर सेल मॉडल काम में लेते हैं। और न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या कहता है, देखना एक मिनट के लिए। न्यूक्लियर सेल मॉडल ये कहता है कि न्यूक्लियन जो होते हैं वो एक ही ऊर्जाओं वाले, लगभग एक ही ऊर्जाओं वाले न्यूक्लियन एक प्रकार की सेल बना लेते हैं, ठीक बात ना। जैसे एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल इसके ऊपर थोड़ी ये हो गई, इस प्रकार से सेल बनती जाती हैं। और अपन जो लोग जानते हैं पावली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, पहले कम ऊर्जा वाली के अंदर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ कौन जाएंगे, न्यूक्लियन जाएंगे, फिर बाद में ज़्यादा वाली में, फिर बाद में उससे ज़्यादा वाली में। तो देखो किस प्रकार से क्या करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या था, न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल मॉडल, नाभिकीय कोष मॉडल। अपनी जो बुक में दे रखा है वो केवल इतना दे रखा है कि किस प्रकार से आप कि न्यूक्लियनों को भरोगे। मैं उसके लिए थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, जिस प्रकार से विभिन्न ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए पाए जाते हैं वैसे ही न्यूक्लियनों के लिए पाए जाते हैं, ठीक बात है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन और ऑर्बिट, ऑर्बिटल मोशन के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसके द्वारा वो विभक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियनों के जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के लिए स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन जो होता है उससे वो भी क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो देखो अगर आप समझना चाहो तो इस प्रकार से समझोगे, सबसे पहले अपनी ऊर्जा स्तर होता है 1s होता है, 1s ये इसका कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, ठीक बात ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, न्यूक्लियन भरे जाएंगे 2s 1/2, इसका महत्व थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। सेम ऐसे ही इसके ऊपर कौन सी ऊर्जा स्तर आएगी, इसके बाद में आता 1p, कौन आता है 1p, और 1p है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक सेकेंड, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जो नीचे वाला जो भाग है थोड़ी लाइन टेडी हो गई, 1p 3/2, और ऊपर वाला है 1p 1/2, ठीक बात ना। यहां तक न्यूक्लियन भरे जाएंगे दो, ठीक बात है। दो कैसे आएगा थोड़ी एक मिनट में मैं बात करता हूं। यहां तक टोटल न्यूक्लियन कितने आ जाएंगे, 8 न्यूक्लियन आ जाएंगे, ठीक बात ना। पी के बाद में नंबर आता है डी का, तो ये तो लिखा देखो 1d 1d, और फिर आ जाएगा 2s, ये लिखा 2s, 1d का डिवाइडेशन, ये मैंने 1d का डिवाइडेशन कर दिया, और 1s है उसका डिवाइडेशन होता नहीं है और वो इधर जाएगा बीच में। तो यहाँ पर कौन आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1d 5/2, और यहाँ आ जाएगा 1d 3/2, और यहाँ आ जाएगा 2s 1/2। यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन अगर वैसे देखो, इसके अंदर ये हाफ लिखा हुआ है, टोटल न्यूक्लियन निकालने के लिए आप ऐसे करते हो 2j+1 करते हो। किसी न्यूक्लियन को लिखने के लिए अपना एक सूत्र होता है, न्यूक्लियन की जो नंबर है संख्या है वो लिखने का सूत्र होता है 2j+1, या फिर किसी नाभिक का संकेत शो करना आपको नाभिक के लिए या न्यूक्लियस के लिए अपन लिखते हैं एन एल और जे, ये आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या है, और जे है नाभिकीय संवेग है, नाभिकीय कोणीय संवेग है, ठीक बात ना। एन एल और जे, एल आपको बताएगा कि पी के लिए आप जानते हो, एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, ये आपका पढ़ा हुआ है, ऐसे तो करते होंगे एस पी डी एफ जी, इस प्रकार से करते होंगे। यहाँ से अपना एल इक्वल टू 0 और ये बढ़ता जाएगा, ये काम अपना चल रहा था। तो देखो यहाँ अगर मैंने 2 क्यों लिखा हुआ, अगर देखना चाहो तो 2j+1, तो 2
जे प्लस वन, तो आप क्या करोगे जे की जगह हाफ है, तो आपका कितना आ जाएगा दो आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर कितना आ जाएगा, इसके अंदर चार और इसके अंदर दो, तो दो चार दो यहां टोटल कितने हो गए आठ, इसके अंदर कितने आएंगे पांच बटा दो लिखा हुआ है, तो टू जे प्लस वन निकालोगे आप तो आ जाएगा टू इंटू फाइव फाइव टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल फाइव और प्लस वन कितना हो गया सिक्स हो गया। तो इसमें छः आएंगे, इसमें दो आएंगे, छः दो आठ और इसमें कितने आएंगे चार, आठ और चार बारह, तो टोटल कितने हो गए आठ और दस, एक सेकेंड, छः दो आठ और चार बारह आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक आठ हो चुके हैं, बारह आठ कितने हो गए आपके बीस हो गए। इस प्रकार से हम न्यूक्लियनों को फिलअप करते हैं। इसके आगे एस पी डी एफ, वन एफ आ जाएगा, वन एफ के साथ आएगा टू पी, वन एफ है उसका डिवाइडेशन भी किस प्रकार से होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है वन एफ है वो भी। तो देखो ये यूं डिवाइड हो जाएगा, सेम ऐसे ही ये दो भागों में डिवाइड रहते हैं, थोड़ी देर पहले क्या ही है, पी के लिए नीचे वाला क्या होता है टू पी थ्री बाई टू, और पी का ऊपर वाला भाग ये है तो टू पी वन बाई टू, एफ के लिए वन एफ सेवन बाई टू और ऊपर वाला है वन एफ फाइव बाई टू। अब आपको देखना है कि यहाँ तक कितने हो गए, तो सात और एक आठ तो ये हो गए, आठ और दो दस, दस से सोलह, यहाँ तक कितने आए थे। इसके बाद में एक थोड़ी सी बात और रहेगी, इससे ऊपर वाला एक और आ जाएगा इसके साथ, यहाँ तक नहीं बताऊँगा मैं आपको, यहाँ तक बताऊँगा क्योंकि ये एक सेल बनती है। एफ के बाद में जी वन जी नाइन बाई टू, तो देख कितने हो गए चार आठ चार बारह चौदह बीस तीस और ये कितने हो गए पचास टोटल। अब देखो आपको एक दो बातें आती होगी कि सेल कैसे बनी, तो ये आपकी एक सेल हो गई है, ये आपकी क्या हो गई दो सेल हो गई है, एक ही सेल के न्यूक्लियनों की ऊर्जा लगभग क्या है समान है, ये आपकी क्या है तीसरी सेल है, ये आपकी क्या है चौथी सेल है, ठीक बात ना। अब देखो फिर बाद में आती है, इसमें यहाँ तक न्यूक्लियन कितने भरे गए दो भरे गए हैं, यहाँ तक टोटल कितने भरे गए हैं आठ भरे गए हैं, और यहाँ तक टोटल कितने भरे गए हैं बीस भरे गए हैं, और यहाँ तक कितने भरे गए हैं टोटल पचास भरे गए हैं। ये जो संख्या ही है इन संख्याओं को मैजिक नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैजिक नंबर बोलते हैं। देखो जिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या मैजिक नंबर के बराबर होती है तो वे न्यूट्रॉन अतिरिक्त स्थायी होते हैं, यानी ज़्यादा स्थायी होते हैं। अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर है तो वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक बात ना। सबसे ज़्यादा का मतलब है अपने निकटतम नाभिकों की तुलना में वो ज़्यादा स्थायी होता है। अब देखो ये चीज़ अपन को केवल समझने के लिए थी, परीक्षा के लिए नहीं है, परीक्षा में केवल इतनी बात आ सकती है। देखो मैं क्या अपनी बुक के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो आपके एक टेबल दे रखी है और उस टेबल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। देखो ये जो कोस है वो लिख दिया, और कोस में न्यूक्लियन लिख दिए, क्या लिख दिए न्यूक्लियन, फिर बाद में कोस तक कुल न्यूक्लियन, कुल न्यूक्लियन। अब अगर मान लो अगर आप लिखना रटना चाहो तो रट लो, बाकी मैंने ये बताया है। पहले वाली कोस आपकी कौन सी है वन एस वन बाई टू, वन एस वन बाई टू। अच्छा इसके अंदर न्यूक्लियन कितने आएंगे, मैंने बताया था इसको दर्शाने का तरीका है एन एल जे, मैं बार बार बोल रहा हूँ एन आपकी, एल क्या है कक्षीय क्वांटम संख्या है, जे आपका कोणीय संवेग है, एन आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक बात ना। अच्छा अगर मैं इसके अंदर इसको केवल इस कोष के अंदर न्यूक्लियन पूछे तो आप कितने आएंगे टू जे प्लस वन, ये यहाँ लिख देता हूँ सूत्र, तो टू जे प्लस वन और जे की जगह वन बाई टू रखूंगा मैं, ये क्या आपका जे है, वन बाई टू रखूंगा तो ये आ जाएंगे केवल दो आ जाएंगे। इस कोष तक टोटल न्यूक्लियन कितने भरे गए दो ही भरे गए हैं। इसके बाद में ये तो आपकी एक कोष होगी पहली, ये कर दी। इसके बाद में दूसरी जो कोष है वो है 1p 3 by 2 और इसके बाद में आएगी 1p 1 by 2,
इन दोनों के लिए आपके आपसे पूछा जाए तो एल का मान तो जीरो है, जे का मान एक के लिए 3/2 है, एक के लिए क्या है 1/2 है। आपसे पूछा जाए कि इसमें न्यूक्लियॉन कितने लिखे जाएंगे तो आप लिखोगे 4, इसके अंदर न्यूक्लियॉन कितने भरे जाएंगे तो आप लिखोगे 2। यहाँ तक टोटल न्यूक्लियॉन कितने हो गए, यहाँ तक टोटल न्यूक्लियॉन पूछे तो 2 तो यहाँ तक और 2 तो ये हो गए थे और 6 ये हो गए, तो टोटल कितने आ गए आपके 8 आ गए। ये आपकी दूसरी कोर्स हो चुकी है, ठीक बात है ना। इसके बाद में नंबर आता है, मैंने ये कर दिया है, इसके बाद में इसका नंबर आता है तो आप लिखोगे 1D3/2, फिर बाद में 2S1/2 और फिर बाद में क्या लिखोगे 1D3/2। बनने का क्रम भी सेम रखना है, न्यूक्लियॉन भरते टाइम अपन इधर से यूँ चलेंगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाला पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसके लिए इसमें कितने आएंगे 4, इसमें कितने आएंगे आपके, ये गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 1D5/2 है तभी मुझसे दोनों सेम कैसे हो गए, इसमें आएंगे आपके 6, इसमें आएंगे आपके 2 और इसमें कितने आएंगे 4। इसके अंदर टोटल कितने भरे गए, 6, 2, 8 और 4, 12, 8 यहाँ तक भरे जा चुके हैं, तो यहाँ तक कितने भरे गए आपके 20 भरे गए टोटल। इसके बाद में एक सेल की ओर की बात कर लूँ तो यह था 2P3/2, इसके बाद में है 2P के बाद में 1F7/2, इसके बाद में 2P1/2, इसके बाद में 1F5/2, इसके बाद में 1G9/2, ये हैं। इसमें टोटल निकले, इसमें कितने आएंगे 4, इसमें कितने आएंगे 8, इसमें कितने आएंगे 2, इसमें आएंगे आपके 6, इसमें कितने आएंगे 10, इसके अंदर टोटल कितने हो गए 4, 8, 12, 12, 14, 20 और 30 हो गए। यहाँ तक कितने हो गए थे 20 और 30 मिला कितने हो गए आपके 50 हो गए। इसके आगे भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक बात ना। अब अपन देखो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से किसी न्यूक्लियॉन के लिए हम किसी न्यूक्लियस का कोणीय संवेग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात आती है, जैसे मान लो आपको पास दे दिया @O17 दे दिया, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी मैं अगर बात करता हूँ तो न्यूट्रॉन कितने इसके अंदर हैं और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसमें 8 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं 9 हैं। अयुग्मित कौन सा है, ये अयुग्मित हैं, ये क्या है अयुग्मित हैं। अब आपको ये देखना कि नोवा न्यूट्रॉन जाएगा कहाँ पर, अपन हमेशा क्या देखते हैं अयुग्मित का ही निकालते हैं। तो नोवा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपका देखो इस प्रकार से जाता है, टेबल से देख सकते हो, 2 न्यूट्रॉन जाएंगे यहाँ तक, ये हो गए देखो यहाँ तक 10 हैं, 2 न्यूट्रॉन यहाँ चले गए, 4 यहाँ चले गए, टोटल कितने हो गए 6, 2 यहाँ चले गए 8 और फिर बाद में नोवा कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा पहले, अगर इससे ज़्यादा होते तो इसमें जाता, फिर इसमें क्रम से हैं, ठीक बात ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1S1/2 में 2 चले गए, फिर बाद में 1P3/2 में 2 चले गए, इसके बाद 1P1/2 में 2 चले गए, कितने हो गए 6 हो गए, इसके बाद में नहीं कितने 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। इसके बाद में नंबर किसका आता है, इसका आता 1D5/2। तो इसके लिए आपके J का जो मान है, J यहाँ पर क्या है कोणीय संवेग है, नाभिक के कोणीय संवेग है, उसका मान कितना हो गया 5/2 हो गया, ठीक बात है ना। चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ, इससे समझ आएगा आपके। तो कोई भी एग्जांपल लो आप आराम से कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लिया आपने, मैंने लिख दिया 30 अक्ष लिखा और फिर लिख देता हूँ 55, ये लिख दिया अक्ष, कोई भी परमाणु है आपका, कोई भी नाभिक है। इसके अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन कितने हैं 30 हैं, अच्छा न्यूट्रॉन कितने हैं आपके 55 माइनस 30 55 माइनस 30 बराबर 25 हैं। ये तो युग्मित हैं, अपन किसको देखेंगे, इनको देखेंगे कि 25 न्यूट्रॉन कहाँ तक भरे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, 2 तो यहाँ तक भरे गए, यहाँ तक कितने भरे गए 8, फिर यहाँ तक कितने भरे गए 20, यानी 20 तो आ चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद में ये 24 हो गया, ये क्या हो गया आपका 24, 25वां यहाँ जाएगा, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है। तो ये जो न्यूक्लियॉन है
ये जाएगा किस में जाएगा, 1F7Y2, 1F7Y2 में जाएगा। तो आप आपसे पूछा जाए कि J की वैल्यू कितनी है, J यहाँ पर क्या है, नाभिकीय कोणीय संवेग, नाभिकीय कोणीय संवेग, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जिसको स्पिन भी बोलते हैं, ये आपका कितना हो गया 7Y2 हो गया। यानी इस नाभिक के लिए कोई एक्स कोई भी नाभिक हो सकता है, इस नाभिक के लिए आपका जे का मान 7/2 आया है। इस प्रकार से आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर देखो इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर मैंने इसलिए बताया था, शुरुआत में जो बात की थी मैं डायरेक्ट टेबल भी याद करवा सकता था, टेबल लेकिन याद करना ज़्यादा उचित नहीं है। अगर पहले वाली जो अपन ने बनाई थी उसमें ये लिखा था कि स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन के कारण एस तो डिवाइड होता नहीं है, बाकी सारे के सारे दो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, और उनको उनके ऊर्जा स्तर के क्रम में लिखा। आपसे पूछे कि नाभिकीय कोष क्या होता है या न्यूक्लियर सेल क्या होता है, तो आप केवल इतनी बात लिखोगे कि एक ही प्रकार की ऊर्जा स्तरों का समूह है, क्या कहलाता है, नाभिकीय कोष कहलाता है। अगले मैं बात करता हूँ पैरिटी। देखो किसी भी कोई भी पार्टिकल है उसकी अवस्था को दर्शाने के लिए, स्टेट को दर्शाने के लिए अपन एक अवस्था फलन साई काम में लेते हैं, और साई है वो आर पर या फिर एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है। ये अपन कर चुके हैं, अपनी याद है, बार बार क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि किसी कोई भी परमाणु छोड़ो, कोई किसी भी कण की अवस्था को शो करने के लिए अपने पास अवस्था फलन या तरंग फलन होता है। अगर इस अवस्था फलन के अंदर मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर दूँ, वाई की जगह पर क्या कर दूँ माइनस वाई, और जेड की जगह पर क्या कर दिया जाए माइनस जेड कर दिया जाए, तो दो संभावनाएं हैं, आपका अवस्था फलन साई माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड जो है, इसको नंबर एक दे देता हूँ, ये सेम का सेम प्राप्त हो जाए एक्स वाई जेड, ठीक बात है। अगर मैं इसमें माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड करता हूँ तो हो सकता है बाहर माइनस आ जाए, बाहर क्या जाए माइनस आ जाए। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दी और ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दी। देखो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वे फंक्शन कहलाते हैं सम फलन कहलाते हैं, सम यानी इवन फलन कहलाते हैं, ठीक बात ना। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वे कहलाते हैं विषम फंक्शन कहलाते हैं, विषम फलन कहलाते हैं यानी ओड कहलाते हैं, बात याद हो गई अभी सबके, ठीक बात ना। ये जो रूपांतरण है ये रूपांतरण आपका कहलाता है पेरिटी रूपांतरण, पेरिटी रूपांतरण कहलाता है, ठीक बात है, ये एक पेरिटी रूपांतरण कहलाता है। तो तीनों बातें समझ आ गई कि पेरिटी रूपांतरण क्या है, तो एक्स वाई जेड को आप चेंज करोगे, ये सम फलन कौन से होते हैं विषम फलन कौन से, तो आपको सबको मालूम है। फिर बाद में बात आती है कि पेरिटी ऑपरेटर जो होता है, पेरिटी ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, इस कारण उसकी जो आइगन वैल्यू है, जो पेरिटी ऑपरेटर है वो क्या होता है हर्मिशियन होता है, तो आइगन वैल्यू जो है आइगन वैल्यू या फिर आइगन मान मान आपको कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे वास्तविक प्राप्त होंगे, और पेरिटी के जो आइगन मान हैं आइगन मान है पी के वो प्लस माइनस वन होते हैं। अच्छा जब आइगन मान आपका प्लस वन आता है तो वो फलन है वो सम कहलाता है, थोड़ी देर पहले देखा था इवन कहलाता है। अगर किसी के लिए पी का मान माइनस वन आ जाए, आइगन मान माइनस वन प्राप्त होता है तो वो आपका क्या कहलाता है विषम कहलाता है, ओड कहलाता है, बात समझ आएगी सबके। फिर बाद में एक दो बातें अगर देखें अपन, पेरिटी एक है वो गुणात्मक संकारक है पेरिटी वाला, यानी अगर मान लो आप एक न्यूक्लियन की पेरिटी पी वन है दूसरे की पी टू है, परिणामी पेरिटी याद करना चाहें तो गुणात्मक होने का मतलब इनका गुणा किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पेरिटी जो है वो संरक्षित रहती है कुछ कुछ अनन्य क्रियाओं में, जैसे विद्युत चुंबक की अनन्य क्रियाएं और प्रबल यानी नाभिक की अनन्य क्रियाओं के अंदर पेरिटी हमेशा क्या रहती है संरक्षित रहती है, कंजर्वेटिव रहती है, ठीक बात है ना। तो यहाँ तक अपन ने क्या बात की, यहाँ तक बात ये कि
कि पेरिटी ऑपरेटर का जो आइगेन वाल आइगेन वैल्यू जो है वो प्लस वन और माइनस वन है। प्लस वन जब होता है तो उसके लिए अपन बोलते हैं इवन हो गया, और माइनस वन होता है तो उसके लिए बोलते हैं ओड हो गया अपना। ठीक बात ना। फिर बाद में नाभिक की अगर बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करूँ, आपके एग्जाम में बहुत कम संभावना है ये पूछ रहे चलो पेरिटी रूपांतरण किस प्रकार से क्या करते हैं, आइगेन मान कितने क्या होते हैं। तो आइगेन मान आपके पास दो ही आए हैं, वास्तु का आए हैं प्लस वन और माइनस वन आए हैं, पूछा जा सकता चलो ये कर दिया। लेकिन इससे बड़ी संभावना ये है कि वो आपको कोई न्यूक्लियस देगा और उस न्यूक्लियस के लिए आपको क्या करना होगा, वो ये पूछेगा इसकी पेरिटी क्या है, इसकी पेरिटी क्या है। तो शुरुआत करता हूँ, जैसे मान लो आपको दे दिया हम, हाँ न्यूक्लियस की अगर पेरिटी की बात करें, पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूक्लियस की पेरिटी वो एल पर डिपेंड करती है, एल पर निर्भर करती है। ये कक्षीय क्वांटम संख्या है, सबको पता है मेरे हिसाब से। अगर एक ही, अगर आपके पास में एक न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन की अगर पेरिटी पूछी जाए आपसे, तो P इक्वल टू लिखोगे माइनस वन की पावर L, माइनस वन की पावर L लिखोगे। अगर आपके पास में बहुत सारे न्यूक्लियन हैं, आपके पास में न्यूक्लियन बहुत सारे हैं और उसकी जैसे मान लो क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या L1, L2, L3 इस प्रकार से हो, तो परिणामी पेरिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, P बराबर पहले न्यूक्लियन की, दूसरे की, तीसरे की, ऐसे करोगे। पहले न्यूक्लियन के लिए मैं क्या लिखता हूँ ऊपर वाले से, माइनस वन की पावर L1, दूसरे के लिए माइनस वन की पावर L2 और तीसरे के लिए माइनस वन की पावर L3, ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। फिर बाद में अपन लोग जानते हैं कि माइनस वन की पावर L1 प्लस L2 प्लस L3 ये तो होगा, ये अपन जानते हैं। यहाँ पर आपने दो बातें करी किसी न्यूक्लियस के लिए, ये दो बात कर ली। नंबर फर्स्ट है किसी एक न्यूक्लियस की बात हो, अयुग्मित न्यूक्लियस की बात हो, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो पेरिटी जो माइनस वन की पावर एल। उससे पहले मैंने बात की किसी न्यूक्लियस की पेरिटी हो एल पर डिपेंड करती है। ठीक बात ना। उससे पहले मैंने बात की कि जो पेरिटी जो है वो विद्युत चुंबकीय अनुक्रियाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग यानी नाभिकीय अनुक्रियाएं, ठीक बात ना, केंद्र पेरिटी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है। इसके बाद में ये न्यूक्लियनों की संख्या, जैसे मान दो न्यूक्लियन हो पांच हो तो किस प्रकार से करोगे, आप ऐसे कर सकते हो, क्या बात याद होगी मेरे हिसाब से। फिर इसका एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक तीसरी बात और होगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो पेरिटी है वो हमेशा प्लस वन ली जाती है, यानी ये ईवन मानी जाती है। क्या मानी जाती है, ईवन ली जाती है। समझ आ गई हो बात है। फिर देखो इसकी यहाँ पर आपने क्या किया, किसी न्यूक्लियस की पेरिटी की अगर बात होती है तो आप लिखते हो माइनस वन की पावर एल, न्यूक्लियन की पेरिटी की बात होती है, और टोटल की बात करते हैं तो फिर उनका ऐड कर देते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने एक बात की थी कि आपसे पूछे एट ओ सेवनटीन की पेरिटी फाइंड आउट करो। तो देखो बहुत बार तो ये होता है कि आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि न्यूक्लियस कहाँ पर क्या है, या तो सबका याद करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसकी अवस्था आपको दे दी जाए। तो कई बार ये हो जाता है एट ओ सेवनटीन, और इसके लिए मैंने वो एक संकेत लिखा था याद हो तो, एट ओ सेवनटीन के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, नौ हैं, और नौ कहाँ जाएंगे मैंने लिखा था, पहले दो जाएंगे 1s 1 by 2, दूसरा जाएगा 1p 3 by 2, 1p 1 by 2 कितने हो गए, आठ हैं, और नोवा कहाँ जाएगा, ये था 1d 5 by 2, ये बात थी शायद, ठीक बात ना। तो इसके लिए यहाँ पर आपका लिखा आ सकता 1d 5 by 2, अगर ये लिखा आ जाए तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर ये लिखा आता है तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा नहीं आता तो आप वहाँ से लिखोगे, यानी आपको न्यूक्लियर सेल मॉडल भी याद होना चाहिए, 99% चांस है कि ऐसे लिखा आ जाए। अगर ऐसे लिखा आ गया, जो नहीं लिखा आया है तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा वहाँ से, अच्छा ये अगर आपके पास होता है तो यहाँ से आप जानते हैं एल बराबर डी, डी एस पी डी, डी के लिए एल का मान कितना होता है, दो, अरे ऐसे तो है एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, एल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और डी के लिए दो, ये तो होता है। अच्छा ये एल ज्ञात हो गया, पेरिटी ज्ञात करनी है तो आप ऐसे तो करोगे माइनस वन की पावर एल,
और ये आपका आंसर आ गया माइनस वन की पावर टू, तो ये वन हो गया। ठीक बात ना, ये आपकी पेरिटी फाइंड आउट हो गई। इस न्यूक्लियस के लिए पेरिटी आपकी ये है। थोड़ी देर पहले क्या लिखा है मेरे याद नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो पेरिटी की वैल्यू है वो क्या क्या लिखी होगी, शायद मैंने प्लस वन लिखी होगी। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।